बुग्याल के देश पवाली कांठा। तो क्या चलना चाहोगे मेरे साथ इस खूबसूरत से सफर में? आज आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ट्रिप पे जो हम जा रहे हैं पवाली कांठा, और हमारी तैयारी चलती हुई और बेटू लोग खाना ठूसते हुए बराती दबा रहे हैं खाना घर से खा के निकले थे ये फिर भी खा रहे हैं यहाँ पे बेटू इंसान। और आप देख सकते हैं सामान किस तरीके से बिखरा पड़ा है। सो वी ऑल आर रेडी गाइज, और हम लोग जा रहे हैं पवाली कांठा, तो बहुत ही मजा आने वाला है। ओके अंकल आंटी बाय, मिलते हैं आपको। थैंक यू। पहुंचे हैं चलते चलते धोपरधार, एक जगह यहाँ पे पड़ती है। 6 और है तो अभी मतलब बाइक यात्रा खत्म होने वाली है, फिर पैदल यात्रा शुरू होगी। मेन परीक्षा वही है, मतलब जब ऊपर चढ़ेंगे तो काफी चढ़ना है, और काफी टाइम से हम घर से बाहर भी नहीं निकले। दौड़े दीपक भैया इतने भयंकर एक्साइटेड हो रखे ना भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने गंदे एक्साइटेड चिल्ला ही रहे। बस गाड़ी एक बार भी नहीं पकड़ी मैंने, नहीं थी क्योंकि हैवी ड्राइवर है बहुत ज्यादा, और बहुत चिल्ला रहे। तो चलो अब यहाँ से आगे चलते, चलो फिर वहाँ से टोटल 10-11-12 किलोमीटर चलते हैं ना। अच्छा, इसका मतलब पहले यहाँ से पैदल था, पहले यहाँ से भुट्टू से पैदल था, फिर अब रोड बन चुकी है, तो रोड बनने के लिए 5 किलोमीटर कम हो चुका है। तो इससे हमारा कितना किलोमीटर रिड्यूस होगा? रोड बाई रोड तो हमें 5 किलोमीटर मिल रहा है ना, मैं तो 5 किलोमीटर रिड्यूस हो रहा है, 5-6 किलोमीटर रिड्यूस हो रहा है। मतलब इसके बाद हमें 12 या 13 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। हमें रेनकोट लेना है, कितनी हो रही है? बढ़िया, बहुत चांसेस है की शहर हमें निकलना चाहिए। अरे भाई ये बहुत गंदी गाड़ी चला रहे हैं यार। 50 रुपए। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. So here we are, और यहाँ पे जाके रोड होती है खत्म, और फर्स्ट आए हैं मैं और दीपक भाई जो कि बहुत ही अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद विकास सर और अमन, हमने रेनकोट भी लिया है, और ये रहे हमारे मेंबर्स। हाय एवरीवन, हमारा जो पैदल यात्रा है वो इस ट्रैक से स्टार्ट होते हुए जाएगा और ऊपर ऊपर ऊपर। I'm just sitting here. जहाँ पे रोड खत्म होती है तो यहाँ पे गांव का नाम है कैलबागी। तो कैलबागी से आप शुरू करते हैं अपना पैदल यात्रा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके जो ठंड, मतलब इतना प्यारा सुकून है, अभी तक हम गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। जब हम नीचे से आते हो, ये मेन रास्ता है, जहाँ वो जा रहे हैं हमको यहाँ नहीं जाना, हमको इस वाले रास्ते से ऊपर आना है। दीपक भैया लोग, विकास सर एक घर में गए, उन्होंने हमें जर्किन वगैरह दी, और हम लोग बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। और अमन अपना मुंह, अरे को अमन अपना सर लगाया जो तो बहुत लगी है कैमरे में, कैद हुआ है भाई। गांव का नाम है कैलबागी। कैलबागी यहाँ से 9 किलोमीटर पवाली कांठा है। जी जी जी, कम हो गया यार। जी जी जी, खाली 2 किलोमीटर वो और आगे बढ़ जाती बढ़िया हो गया था, केदारनाथ जाने के लिए सुविधा हो गया था। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। पर इतना गलती कर दिया रोड वालों ने, 2 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया रोड। अच्छा, तो आप इससे थोड़ा सा खफा है जो कि ये भी हुआ है? अच्छा अच्छा, 2 किलोमीटर रोड और चल जाते ना जी, तो 6 फीट ये बनी हुई है, उसमें मिल जाता था रोड। अच्छा, ये सामने में जी, सामने तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी 1.5 किलोमीटर छोड़ दिया इसमें गाड़ी वाले ने पीछे। जी अंकल, ये दिक्कत हो गया, नहीं तो अगर ये रोड पास हो जाती यहाँ तक ना जी, तो बढ़िया हो जाता। अरे वाह, सारी जनता के लिए सुविधा हो गया था। जी अंकल, चलिए अंकल धन्यवाद आपकी इन्फॉर्मेशन वाली। भाई कतई जहर मजे आ रहे हैं, हमने एक जगह से पानी भरा, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए, और ये रास्ते ही रास्ते। यार व्लॉग में ना आप एक बहुत छोटी सी चीज देख पाते हैं, आप वो चीज फील नहीं कर पाते ना जो आना चाहिए। सही लग रहा है, वाह। और धारा, और फर्स्ट धारा आने वाला है, फर्स्ट धारा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है चलो। अब ये देखो पहला धारा, पहला धारे का स्पॉट। और थोड़े से चलने के बाद हम लोग एक मंदिर पे आए, तो दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर।
अभी हम लोग कश्मकश में चलते हैं। कौन से रास्ते से जाया जाए? इससे चलेंगे। विकास सर आप बताइए। इस वाले रास्ते से। वोट वोट। तो फाइनली हमारा रास्ता डिसाइड हुआ और हम जा रहे हैं खड़ी चढ़ाई पे। अभी तक जंगल वाला रास्ता था तो धूप हमारे ऊपर नहीं पड़ रही थी, अब हमारे ऊपर पड़ेगी धूप, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चढ़ाई बहुत है अभी भी, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। लेकिन केदारनाथ से तो कम ही होगा, ठीक है। अभी तक तो हम लोग सब मस्त है, पानी वगैरह हम सब ने ले रखा है, होप सब कुछ अच्छा रहे। और हमने चढ़ाई शुरू की थी लास्ट में, जो आप रोड देख रहे हो उंगली पे, वहां से की थी। और अब हम यहाँ ऊपर है। सो हाफ ट्रैक, मतलब आज का जो है वो हाफ ट्रैक पूरा हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर जाने वाले हैं, और फिलहाल हम आज रुकेंगे रात को यहाँ, जहाँ भी हम रुकेंगे फर्स्ट बुग्याल जो आएगा वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद अपना टेंट कैंप जो भी है हमारे पास, हमको उसको बिछाएंगे और वहाँ रुकेंगे। आप बहुत ही यहाँ ठंडा, बहुत प्यारा है, मतलब बहुत सही हवा चल रही है यहाँ पर। और मेरे साथी मेरे पीछे तो चलते चलते हमारा जो पहला स्पॉट है जहाँ पे हम आज शायद रात रुकने वाले हैं वो ये है। आए हैं यहाँ पे, पहला स्पॉट हमारा। और कल हम जाएंगे इधर वाले रास्ते से, लाइक ये वाला रास्ता, ये हमारे सामान है कुछ। और यहाँ पे एक छोटा सा घर भी है, पता नहीं क्या ये छानी छानी जी छानी उमा कड़ियो डेरू। इसके अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं आप लोग को मे बी। और ये देखो ये मिला हमें छानी। माय गॉड भाई को क्या मिला ये? सो गाइस हमें पॉक्यूपाइन के टेंटिकल्स मिले हैं, बहुत शार्प है, बड़े भी हैं और बहुत शार्प हैं। क्या बात है। पानी आ चुका है, शायद हम यही रुक रहे हैं। नहीं बारिश नहीं आएगी भाई। सो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं या नहीं, तो वैक्सीनेशन की चर्चा यहाँ भी चल रहे हैं। और अभी हमारा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा नेटवर्क आ रहे हैं, नेटवर्क जा रहे हैं, ठीक है। और अप्रोक्स हमने 6 किलोमीटर क्रॉस कर दिया। नहीं नहीं मैं चढ़ूंगा अमन भाई, उसके बाद देखना आगे क्या होता है। मेरे पीछे एक छोटा सा मंदिर है, पता नहीं। अबे मत बैठ उसके ऊपर, मंदिर है वो बदतमीज। ये ना ये इसकी उल्टी हरकत ही रहती है, तुमने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देख लिए। लोग सो रहे हैं बेचारे, कुछ लोग। चलते चलते फिर से हम लोग कंफ्यूज, इधर जाया जाए या इधर जाया जाए। इधर ना कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उधर ही दिख रहा है रास्ता। तो देखो गाइज हमने ये वाला रास्ता चुना है, अगर हम सही सलामत पहुंचते हैं तो आपको इसी रास्ते से आना है। 6:10 हो रहे हैं अभी। अब आप देख सकते हो कुछ भी विजिबिलिटी एकदम जीरो है। और अब मैंने पहली बार अपना बैग नीचे रखा, अब ऐसा लग रहा है कि नीचे हम लोग क्यों नहीं रुके होंगे जहाँ पे फर्स्ट जो चिमनी मैंने आपको दिखाई, ऐसा लग रहा है जब एक्चुअली जो आवाज़ आ रही है ना पत्ते गिरने की, ऐसा लग रहा है कोई है। आप लिटरली देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोहरा लगने के बाद भाई बहुत सही जगह पे हम लोग आए हैं, मौसम खुल चुका है, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा भी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं हम सफेद चमगादड़, कोई काला चमगादड़ भाई तो अच्छा भाई ने उतार दिया मैंने उतार दिया क्योंकि गर्म हो रहा था। और साथ ही साथ अभी हमने सोचा कि 4 किलोमीटर और चढ़ लेते हैं, फिर सुकून की जिंदगी जिएंगे, कल के लिए थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। और हमारे ट्रैकर्स ने भी हमारा साथ दिया और बिल्कुल दम के साथ चढ़ रहे हैं पवाली काठा। अमन जी भी हमारे साथ हैं,
नमस्कार इसके बैठ नमस्कार भैया और पीछे से कुछ लोग और आ रहे हैं दीपक मेहता जी हमें काफी मजा लेना था yeah. रस निकलता ना अपनी आवाज से कंठ बहुत बड़े कंठ के मिठू कंठ है इनका मिठू कंठ लग रहा हूँ ना मैं चमकादड़ वैसा है अभी अभी क्या है अब ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ बुग्याल दिखाएंगे इससे पहले आपने देखा होगा कि पूरा कोहरे से धुंध तो इसके बाद हम बुग्याल में जाएंगे रुकेंगे और मौज करेंगे और इधर भी काफी बुग्याल दिख रहे हैं मुझे और विकास सर आ गए आज हम बुग्याल में रुकेंगे ठीक है बारिश आ रही है वो यहाँ भी आ रही है चलो फिर गाइस फाइनली हमने वो बुग्याल यार इस कैमरे में नहीं दिख रहा है सर वो ओह माय गॉड वो है हमारी फिलहाल की डेस्टिनेशन उसके पीछे हम कल सुबह जाएंगे बारिश का मौसम हल्की फुल्की बारिश तो आ रही है प्यार का अंजाम किसने सोचा शिवानी तेरा यूके ले लेते कहाँ डाला मैंने साढ़े आठ बजे हम लोग कौन सी जगह नंदर के नाम बोल रहा हूँ कांठा सो साढ़े आठ बजे हम लोग पवाली कांठा से 4 किलोमीटर नीचे क्यों और हम बहुत चलो और खाना आएगा व्हाट्स अप एवरीवन दिस इज डे 2 भाई रात बहुत खतरनाक थी हमारी मतलब लिटरली बहुत भयंकर रात थी अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि हम लोग कहाँ रह रहे थे ठीक है ऐसा रहा आपका रात का एक्सपीरियंस सर एक्सप्लेन करता है बहुत अच्छा था अब कुछ ना दर्द हो गया गला बंद हो चुका है अच्छा था